खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आज आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय एवं हवाई निरीक्षण किया। साथ ही रेस्क्यू कर लाए जा रहे यात्रियों से कुशल क्षेमी पूछी। आपको बता दें कि केदार घाटी में विगत दिनों हुई अत्याधिक बारिश के कारण जगह जगह सड़कें सहित केदारनाथ पैदल मार्ग पर रास्ते व पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं। इसके तहत ही सोनप्रयाग में स्थलीय निरीक्षण करने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि केदार घाटी में बीते दिनों हुई अतिवृष्टि के बाद प्रकृति ने अपना रौंद रूप दिखाया है। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद से जिला प्रशासन सहित एनडीआरएफ व पुलिस के जवानों द्वारा लगातार रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और कितना बड़ी मात्रा में लैंडस्लाइड है। पूरी सड़कों पे भी क्रैक्स हैं, रास्ते बंद हैं और जितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, पूरा प्रशासन पूरी तरह सचेत है। सब लोगों का संपर्क भी है और जहाँ जहाँ लोग फंसे हैं वहाँ प्रशासन के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। उनको इमीडिएटली जो खाने पीने का जो समस्या है उनको पूरा किया जा रहा है और सबको सेफ निकालने की पूरी तैयारी है। कोई दिक्कत भी नहीं है, सबको हम पूरा निकाल भी लेंगे। अभी चुनौती ये भी है कि रास्ते खोलने हैं, प्रशासन भी लगाया है, भारत सरकार से भी हम लोग टच पे हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं से निगरानी कर रहे हैं, वो स्वयं पूरे इस मामले को देख रहे हैं और जो हमारा NH के लोग हैं वह भी हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं, मेरी नितिन गडकरी जी से भी हम लोग संपर्क में हैं। यहाँ पर जितना तेजी के साथ काम होना है और परिस्थिति को जितना नॉर्मल करना है उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी सारी चीज़ नॉर्मल होंगी, सब चीज़ नियंत्रण में, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन वो सबके टच में, SDRF और NDRF के भी टच में, सब लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी पहली प्रायोरिटी है, उनको निकालने के लिए काम किया।